टॉपिक है अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हैलोजन तत्वों के बारे में। हैलोजन तत्व किसे कहा जाता है? तो वे तत्व जो समूह 17 में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के समूह 17 में वर्ग 17 के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व। आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में कुछ ऐसे खड़ी लाइनें बनी हुई है, ऐसे खड़ी लाइनें बनी हुई है और कुछ ऐसे आडी लाइनें बनी हुई है। आडी लाइनें होती है, इन आडी लाइनों को कहा जाता है आवर्त, और जो ये खड़ी लाइनें होती है इन खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 के सदस्य होते हैं उन सदस्यों को क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेसिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है, इनको समूह 17 के सदस्य कहा जाता है और इन्हें हैलोजन का भी कहा जाता है। अब हैलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें हैलो का अर्थ क्या होता है? लवण, जिसका मतलब है कि ये जो अधातुएं हैं या जो ये हैलोजन तत्व है, इन्हें अधातु भी कहा जाता है, ये सारे के सारे अधातु है, ये हैलोजन तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं। हैलो का अर्थ होता है लवण और जेनेस का अर्थ होता है उत्पन्न करना। तो जो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। जैसे एक धातु है सोडियम, सोडियम के साथ क्लोरीन है, वो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। तो साधारण नमक या नमक का निर्माण करने के कारण, लवण का निर्माण करने के कारण ही को क्या कहा जाता है? हैलोजन। हैलोजन तत्व होते हैं, इनके बाह्यतम कोष, सबसे जो बाहरी कोष होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5। NH2NP5 का मतलब है कि ये P ब्लॉक के सदस्य है, P ब्लॉक के तत्व है और अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उस अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरा जाएगा और उसका विन्यास P5 होगा। और NS2 का मतलब है कि उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरे जाएंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? P कक्षक में भरे जाएंगे। यहां N की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? तो N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 यानी कि ऐसे डैश डैश करते कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर N और यहां पर N है, इन दोनों की वैल्यू समान होगी। यहां पर 2s2 है तो यहां 2p5 ही होगा। नेक्स्ट है हैलोजन है वो रंगीन होते हैं क्योंकि ये दृश्य प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ये खुद कैसे नजर आते हैं? रंगीन नजर आते हैं। अब कुछ हम हैलोजन तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हैलोजन तत्व आ जाता है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 19। परमाणु क्रमांक 9 अर्थात यहाँ जेड बराबर कितना हो जाएगा? तो जेड बराबर 9 हो जाएगा और ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा 19। जेड बराबर 9 है तो यहाँ पर पी बराबर भी कितना हो जाएगा? तो पी बराबर 9 हो जाएगा और ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर 19 दिया हुआ है अर्थात यहाँ पर एन बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर हो जाएगा 10। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p5। 1s2, 2s2 और 2p5 यानी कि पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो बाहरी कक्षा यानी कि दूसरी कक्षा है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 और 2 9 कितने हो गए? 9 हो गए। और परमाणु क्रमांक भी 9 है, प्रोटॉन की संख्या भी 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 9 होगी। इसके नाभिक में इस फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के नाभिक के अंदर है वो 9 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। प्रोटॉन की संख्या 9 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जिनकी संख्या है 9, जिसमें पहली कक्षा K है तो K में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी कक्षा कौन सी है? L है। और इस L में कितने चक्कर लगा रहे हैं? तो L में 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं।
हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व किसे कहा जाता है, तो वो फ्लोरीन को कहा जाता है। फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिव होती है। अगर आप H2O को कहोगे तो H2O में H प्लस का होता है और ऑक्सीजन किसका होता है, माइनस का। लेकिन अगर ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, अब यहां पर ऑक्सीजन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और फ्लोरीन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व भी कौन सा है, फ्लोरीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो वो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। इसीलिए ये OF2 का पूछा जाता है कि OF2 में ऑक्सीजन की संयोजकता और इसका ऑक्सीकरण अंक है वो कैसा होता है, धनात्मक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि OF2 में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता और इसका ऑक्सीकरण अंक है वो धनात्मक होता है। तो दूसरा आ जाता है क्लोरीन। सेकंड जो आ जाता है वो क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 35। जेड बराबर यहां पर हो जाएगा 17 और ए बराबर यहां पर हो जाएगा 35 और यहां पर पी बराबर कितना हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 17। और इस क्लोरीन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 and 2p6, 3s2 or 3p5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में है और P5 है। हमने पहले ही लिखा था कि हैलोजन तत्व है, उन हैलोजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें अंतिम जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा NS2NP5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3S2 3P5। अगर आपको इसको लिखना है दूसरे तरीके से तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 8 and 7। बाह्यतम कोष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरा करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। क्लोरीन कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन है वो बनाता है। क्लोरीन जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है जो फूलों और कपड़ों का रंग उड़ाने में काम आती है। फूलों और कपड़ों का रंग उड़ाने का काम भी कौन सी गैस करती है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करती है, ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है और ये नवजात ऑक्सीजन है वो कपड़ों के रंग उड़ाने में काम आती है। क्लोरीन का एक यौगिक होता है जिसका नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन और इस क्लोरोएसीटोफिनोन का प्रयोग है वो अश्रु गैस बनाने में किया जाता है। क्लोरोएसीटोफिनोन का प्रयोग आंसु गैस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का प्रयोग है वो जीवाणु नाशन के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल के शुद्धिकरण के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, सोने के निष्कर्षण में, पेट्रोल के शोधन में, गैमेक्सिन बनाने में और मस्टर गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लोरीन का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा या मरकरी। लेकिन धातु की जगह लगा दिया जाता है अधातु, के एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है ब्रोमीन, Br2 के रूप में लिखा जाता है। तो यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। भारत के कच्छ के रण में पाया जाने वाला जो ब्राई है वो ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है, यानी कि ब्राई से क्या प्राप्त किया जाता है, ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आयोडीन। आयोडीन एक गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, गहरे बैंगनी रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। नॉर्मली अधातु होते हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। हालांकि हीरा भी चमकीला होता है, लेकिन हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन
थायरोक्सिन है उसके निर्माण का कार्य भी करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में यूज कौन सा होता है, तो वो आयोडीन होता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे गलगंट या घेंगा या गोइटर रोग कहा जाता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी होने पर गलगंट या घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। आयोडीन और जो एल्कोहल का मिश्रण होता है उसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं, और जिसका प्रयोग है वो पूतिरोधी के रूप में घाव धोने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में घाव धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है आयोडीन और एल्कोहल का। तो ये हो गया है हैलोजन तत्वों के बारे में।